जो अंग्रेजों का काला कौवे लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, ये जो है अब मोती खा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं और इसीलिए ये राम राम कर रहे हैं। मंदिर जो है वो जनता बनाती है, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। मूल निवासी हो चाहे बहुसंख्यक हो, तुम हमारे गुलामी सहो और हमारी गुलामी में जो जूठन जो बच गया हम दे दिया तो खा लो, और नहीं खाओगे तो हम शेर हैं और हमारा काम है तुम्हें चीर फाड़ के खाना। आप कह रहे हैं मोदी जी बहुत कुछ दे रहे, वही तो दे रहे हैं कि वो लूट रहे हैं। हर मोदी, घर घर मोदी और अपने लोगों के पोट भरो मोदी। जनता की भलाई यही तो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ धन्य मोदी जी, इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। केस करना है तो आप बिदोरी पे क्यों नहीं कर रहे? हम अगर बोल रहे हैं तो हमारे पे मानहानि करोगे, हमें जेल पे भेज दो यार। बिल्कुल जाने के लिए तैयार है लेकिन आवाज नहीं रुकेगी। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको चाय बनाने आता है? चाय अगर बनाने नहीं आता तो आप देश क्या बनाओगे? और यही हालत है कि वो देश को बनाना नहीं जानते, वो बेचना जानते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे तमाम लोग हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, दबे पिछले कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप कहते हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को के साथ अत्याचार हो, महिलाओं के लिए विशेष जो है अलग से उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। अब पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। देखिए, मेरा नाम संजय सिंह खंडसाल है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त मुख्य विपणन अधिकारी के पद पर था, जो जॉइंट कमिश्नर के इक्विवेलेंट होता है। और उसके बाद मैं 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद हमने आज़ाद पार्टी का गठन किया, अपनी ज़िंदगी अपना दल। आज की डेट में मैं सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति का चेयरमैन हूँ यूपी में। तो ये समिति आदरणीय योगी जी ने गठित की थी और राघवेंद्र कुमार जो है हाईकोर्ट के जस्टिस थे। इसकी रिपोर्ट मार्च 2018 में ये गठित हुई, अक्टूबर 2018 में रिपोर्ट आ गई कि जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 27% है, उसमें भी पिछड़ों में भी कुछ अगड़े हैं वो खा गए, लेकिन जो निचला तबका है, जो निचली जातियां हैं, जैसे कि अति पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उनका एक भी आदमी, उनका एक भी नुमाइंदा पूरे यूपी में ना तो कोई एसडीएम है, ना तहसीलदार है, ना कुछ है। इस प्रकार से इसको डिवीज़न करने के लिए ये समिति बनाई गई और इस समिति की रिपोर्ट आ गई। पिछड़ा 7%, अति पिछड़ा 11%, अत्यंत पिछड़ा 9%, लेकिन आज तक ये लागू नहीं हुई है। इसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। भारत सरकार की जब बात करते हैं तो वहाँ पे रोहिणी आयोग का गठन किया गया। मैं कमीशन ना कुछ काम कर रहे हैं यूपी सरकार, भारत सरकार। राम राज्य काम कर रही है, क्या राम राज्य है यूपी? राम राज्य से सुनिए, राम राज्य से हम कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है जो मंदिर का मसला है, मंदिर जो है वो जनता बनाती है, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। ये तो आपस में सहमति से जो धर्मगुरु हैं वो मंदिर बनाते हैं। अब क्योंकि ये लिटिगेशन था, बहुत लंबे समय से 400 साल से चला आ रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया मंदिर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था, आम मुद्दा तो था नहीं मंदिर। देखिए, ऐसा मुद्दा तो आप कुछ भी बना लें, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो 1931 की जनगणना है जिसमें के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 52% है, तो 52% आज की डेट पे, ये 1931 की बात कर रहा हूँ, आज की डेट पे मोर देन 54% है, मे बी 60%। तो इनको 60% या 50% ये दिया जाना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या हो रही है, आज जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है उसके अंतर्गत जो है पिछड़ी वर्गों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। तो ये क्या होगा कि जो अगड़े वर्ग हैं उन्हीं के, जैसे मान लिया कोई MP है, उसकी वाइफ जो है चुन के आ जाएगी, तो जो लाभ जिनको लिए किया जाना चाहता था उनको नहीं मिलेगा। जो दलित लोग हैं उनको तो शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए अभी लागू हुआ है कहाँ है? जनगणना होगी उसके बाद देखा जाएगा। तो अगर अभी लागू नहीं हुआ है तो इसको जनगणना करके सारा कुछ करके तब लागू करते। ये तो वोट की पॉलिटिक्स हो गई। आज कम से कम इसको अभी जनगणना करना है, पॉलिटिक्स नहीं है। उनके लिए मान्यता की बात है। अमित शाह ने कहा है उनको वोट से कोई लेना देना नहीं, महिलाओं की तो मान्यता की बात है। पिछड़े वर्गों के लिए जब सारा विपक्ष तैयार है तो पिछड़े वर्गों का इंक्लूजन क्यों नहीं किया गया? इसमें पिछड़े वर्गों का इंक्लूजन क्यों नहीं किया? दूसरी बात, जो रोहिणी आयोग का गठन किया गया था वर्गीकरण के लिए, 13 बार उसकी टाइम एक्सटेंड हुई और लास्ट में अभी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट कर दी आयोग ने, लेकिन आज तक उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलता। उसको यदि लागू नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर दुआ भी क्या कहेंगे, आप मानते हैं कि नहीं यूपी में राम राज्य है? जर्नलिस्ट महोदय धन्यवाद आपको करेंगे। बिल्कुल राम राज्य, और राम जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवे जो अंग्रेजों का काला कौवे लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, ये जो है अब मोती खा रहे हैं, 56 भोग खा रहे हैं, और इसीलिए ये राम राम कर रहे हैं। राम के आदर्श को नहीं मानते। राम के आदर्श को अगर मानते तो मैं समझता, ये कह रहे हैं कि हम कलयुग आ गया है, हम कौवे हैं, हम जो है मोती खाएंगे और तुम लोग हंस हो, तुम शुद्ध हो और तुम जो है मूल निवासी हो, चाहे बहुसंख्यक हो, तुम हमारे गुलामी सहो और हमारी गुलामी में जो जूठन जो बच गया हम दे दिया तो खा लो, और नहीं खाओगे तो हम शेर हैं और हमारा काम है तुम्हें चीर फाड़ के खाना। तो यही वो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, वही तो दे रहे हैं कि वो लूट रहे हैं और हमें जो है एक सिलेंडर और एक 5 किलो चावल कंकड़ वाला जो हम चूनते रहें, कंकड़ खाते रहें, और वो जो है बासमती चावल खाएं, वो करोड़ों लाखों का मशरूम जो है जनता की भलाई के लिए, जनता का पेट भरने के लिए दे रहे हैं। भलाई यही तो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ धन्य है मोदी जी, इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो हमें बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, मोदी जी हैं तो स्वास्थ्य मिल रहा है, मोदी जी हैं तो हमारा जो है खाना पीना मिल रहा है, मोदी जी हैं तो रोजगार मिल रहा है, मोदी जी हैं तो शिक्षा में समानता मिल रहा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अपने लोगों के पोट भरो मोदी। तो अपने लोगों का जो 129 कॉर्पोरेट हाउस है जो उन्होंने 2 लोगों को लूट करके खिला रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के वफादार हैं। तो भाई ऐसे दोस्त औरों को भी हो, हम भारत के लोग हम तो दुश्मन हैं ना भाई, हम तो नाय दुनिया लोग हैं, हम लोग जो है दबे कुचले लोग हैं, तो हम उनके दोस्त तो हो नहीं सकते। जो दोस्त हैं उनको खिला रहे हैं तो वो तो खिलाएंगे। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि मोदी जी दोस्ती निभाना जानते हैं। देश के अंदर उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचता था, लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको चाय बनाने आता है? चाय अगर बनाने नहीं आता तो आप देश क्या बनाओगे? और यही हालत है कि वो देश को बनाना नहीं जानते, वो बेचना जानते हैं। पत्थरबाजों का इलाज करवा रहे हैं मोदी जी। किसका? पत्थरबाजों का। पत्थरबाजों का इलाज कर रहे हैं। तो पत्थरबाज जो है कौन, पहले ये तो जाँच कर लो। जो पार्लियामेंट टीवी पे चलता है, कहाँ आप लोग चलाइए ना कि पार्लियामेंट के अंदर आतंकवाद मुल्ला कहा जा रहा है, चलाओ ना। उसके बाद इनाम दिया गया राजस्थान का, उनको जो है प्रभारी बनाया गया, अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया गया। और जब मेनका गांधी कह दिया कि इस्कॉन में जो गायें हैं, जो स्वस्थ गायें हैं वो तो दिख रही हैं, लेकिन बूढ़ी गायें और जो बीमार गायें और जो उनके बछड़े हैं वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा मामला है। तो भैया बछड़ा कहाँ गया और वो बीमार गाय कहाँ गया? वो सब कसाईयों के घर गया और वो काट कर करके उसका जो रेड मीट है वो विदेश गया, सऊदीया गया, और उसका बिजनेस कौन कर रहा है? वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं मेनका गांधी को सपोर्ट करता हूँ कि मेनका गांधी ने एक सही आवाज उठाया है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या करें, इसको ने 100 करोड़ का मानहानि केस करूंगा। अरे मानहानि केस, अगर मानहानि केस करना है तो आप भिदोरी पे क्यों नहीं कर रहे? जो हमारे देश के मान आन सम्मान हमारे संसद के अंदर उड़ाया, आप उसको नहीं कर रहे। हम अगर बोल रहे हैं तो हमारे पे मानहानि करोगे, हमें जेल भेज दो यार, भेज दो, मैं कह रहा हूँ भेज दो। तैयार है, बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आवाज नहीं रुकेगी। हमारी जो मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारे मूल निवासियों का, हमारे जो बहुसंख्यक का सबूत के आरोप नहीं लगा सकते आप। सबूत, क्या सबूत चाहिए जर्नलिस्ट महोदय? आपको क्या सबूत चाहिए? सबूत क्या है इस्कॉन में गायों के साथ जो कुछ भी बता रहे हैं, सबूत बताइए। अगर 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 ये जो है मेनका गांधी किसके लीडर है? बीजेपी के हैं, बड़े दबंग लीडर हैं, छोटे मोटे तो हैं नहीं। उन्होंने कहा है तो जांच कर लो। जब सतपाल मलिक ने कहा कि वहाँ पुलवामा में हमारे सैनिकों को मारा गया तो आप जांच कर लो, आप प्रेस मीडिया को बुला के इंडिया गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। नहीं करेंगे, हम उस पर ईडी लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, जेल भेज देंगे, मानहानि केस कर देंगे, लेकिन सामना नहीं करेंगे। क्यों नहीं? बहस करो, बताओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मेनका गांधी गलत है तो मेनका गांधी पे केस होगा, मेनका गांधी अंदर जाएगी, और मेनका गांधी अगर सही है तो इसको उनकी सारी संस्थाएं बंद होनी चाहिए जो सारे भ्रष्टाचार पे टिका हुआ है। तो ये रहा इनका अपना जो है तमाम मुद्दे हैं और वाद विवाद चल रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।